तो आज का वीडियो होने वाला है इस अंडे के ऊपर, फर्टाइल है या नहीं, एग फर्टाइल है या नहीं, चेक कैसे करें, कितने दिन में बच्चा निकलता है, कितने दिन बाद अंडे में जान आती है, सभी क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे आज इस चैनल पर, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अरे आ गए आप लोग। सो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूँ आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में दोस्तों। और मैं ये क्या कर रहा था मोबाइल के फ्लैश के साथ, और ये मेरे हाथ में एक अंडा आपको दिख रहा होगा, ये एग देख सकते हैं आप। तो मैं इसके साथ क्या कर रहा था, ये बजीज पैरोट का एग है। इन सभी सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ। इस अंडे की मैं फर्टिलिटी किस तरह से चेक कर रहा था और ये किस तरह से इसकी हम फर्टिलिटी चेक करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ गाइस मैं आज के वीडियो में। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये एक एग देख रहे होंगे, तो ये हमारे बजीज पैरोट का अंडा है और ये कितने दिन का है, इसके अंदर बच्चा बना है या नहीं, ये अंडा ख़राब है या फिर ये अंडा सही है, इस अंडे को हमें मटकी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और इसके अंदर से कितने दिन में बच्चा निकलता है, बच्चा कितने दिन में बड़ा होता है, या फिर इसके अंदर जो बच्चा बनने की प्रोसेस जो होती है वो कितने दिन में स्टार्ट हो जाती है, इन सभी सवालों के जवाब दूंगा आज के इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और जो पिछला वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जाकर चैनल पर उसको भी देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे उस वीडियो को लेकर, तो सभी कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर होंगे दोस्तों, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो मैं यूज़ करा रहा हूँ इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप भी उसे यूज़ कराएं। मेरे यहाँ कॉलोनी में जो है चिक्स जो डेथ हो रही थी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुकी है गाइस। तो आज का वीडियो होने वाला है इस अंडे के ऊपर, और हम बहुत सारे अंडे मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि ख़राब भी हैं, कुछ कुछ के अंदर जान है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अंडा जो बजीज सेक कर रही है या फिर सेक रही है वो सही है या फिर नहीं है। चलिए, जो दोस्त भाई नए चैनल पर जुड़े हैं चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, उस वीडियो को करिए एक लाइक, आप एक लाइक करते तो मिलता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। तो चलिए बिना देरी करिए वीडियो को करते हैं। सो गाइज, ये है मेरी बजीज पैरोट की कॉलोनी, और देखिए ये हमारे बजीज पैरोट यहाँ पर बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा शांत हैं, क्योंकि अभी सभी ने दाना वगैरह खा लिया और सब ऊपर बैठे हैं और मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए। वैसे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं हमारे बजीज। पहले आप बजीज देख लीजिए और आज का वीडियो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ एग रखे हुए हैं यहाँ पर ट्रे में, तो मैं बताऊँगा आपको कि एग जो होता है वो फर्टाइल किस तरह का होता है और किस तरह का नहीं होता है एग फर्टाइल, और एग के अंदर से बच्चा निकलने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है पूरा वीडियो में कवर करूँगा। पहले बजीज पैरोट में दिखा देता हूँ, क्योंकि कई नए दोस्त भाई हमारे इस चैनल पर जुड़ते हैं जिनका क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि सर बजीज पैरोट दिखाइए, आपकी कॉलोनी में कितने बजीज पैरोट हैं। तो पहले मैं आपको बजीज दिखा दे रहा हूँ। मेरी कॉलोनी में लगभग दोस्तों 35 पेयर बजीज थे, जिसमें से दो या तीन पेयर मैंने सेल आउट कर दिए थे। उसके बाद अभी जो करंट अपडेट चल रही है बजीज पैरोट की, लगभग 27 पेयर या फिर 25 पेयर हैं, और जिसमें से कुछ पट्टे हैं और बाकी के पेयर जो होंगे वो उसमें से कुछ एक दो पेयर डेथ हो गए थे, और बाकी के पेयर पूरे एडल्ट हैं। पट्ठों के पेयर लगभग 5 से 7 पेयर पट्ठों के होंगे, तो मतलब 15 पेयर की जो है वो ब्रीडिंग यहाँ पर लगी हुई है। बाकी के पेयर भी एडल्ट होने वाले हैं, बहुत जल्दी ब्रीडिंग करेंगे। और मैं उसके पहले यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ कि मटकियों के अंदर क्या चलता रहता है। ये देखिए, ये इनकी माँ बैठी है और यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस तरह की ब्रीडिंग हमारी कॉलोनी के अंदर लगभग सभी मटकियों में चल रही है दोस्तों। और अब फटाक से मैं ये अंडे आपको चेक करवाता हूँ और आपको चेक करना सिखाता हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं ये अंडे फर्टाइल हैं या नहीं। सो गाइज, आपके एग फर्टाइल हैं या नहीं ये जानने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो खुद अंडों की और दूसरा आपके पास एक फ्लैश वाला कोई भी मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से ही आप चेक कर पाएंगे कि जो अंडा है वो फर्टाइल है या नहीं। वैसे तो अंडा जो है 8वें दिन जो है वो चेक हो जाता है 8वें दिन के अंदर। अगर 8 दिन उस अंडे को हो गए जब से आपकी फीमेल बजीज ने अंडा दिया है, अगर वो 8 दिन हो जाते हैं, वैसे तो 2 दिन में भी चेक हो जाता है, 3 दिन में भी अंडा फर्टाइल है या नहीं है या फर्टिलेशन हो गया है, पर कंफर्म जो होता है वो 8 दिन के अंदर इस अंडे के अंदर कुछ नसें आपको दिखने लगती हैं। वो नसें किस तरह चेक करना है पहले मैं आपको इस मोबाइल से बताता हूँ। ये जो फ्लैश होता है, इस फ्लैश लाइट के ऊपर अगर आप अंडा रखेंगे, वैसे मुझे नहीं पता ये मोबाइल इस मैं आपको इसमें कैमरे में दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा मोबाइल के अंदर से, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिख जाए दोस्तों। तो मैं पहले आपको एक अंडा दिखाता हूँ जो कि ऑलरेडी फर्टाइल है मुझे पता है, और उसके बाद अनफर्टाइल एग की पहचान क्या होती है मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो ये देख लीजिए, ये एक अंडा है मेरे पास जो कि फर्टाइल है, और इसको आप कैसे चेक करेंगे ये देखिए, आप ये मोबाइल के फ्लैश पर आप इसे रखेंगे तो पता नहीं आपको इसकी जो नसें हैं वो दिख रही हैं या नहीं, पर मुझे तो बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ घुमा के। रुक जाइए, देखिए यहाँ पर अंडा ये आ गया है। तो ये देखिए, आप मैं दिखाता हूँ आपको, ये अंडे के अंदर आपको देखिए कुछ नसें दिख रही होंगी, और नसों के साथ साथ आपको ये देखिए ये हिलता हुआ भी दिखेगा, जो इसके अंदर जो जीव है या फिर जो हमारा जो बजीज का जो चिक्स बन रहा है
वो देखिए आप इसकी दिल की धड़कन आपको चलती हुई दिख रही होंगी, ये हिल रहा है मेरे उंगली के ऊपर, आप जस्ट देख सकते हैं। तो इसकी जो दिल की धड़कन है वो यहाँ पर चल रही है और अंडा काफ़ी ज़्यादा देख लीजिए आप गर्म भी रहता है जब बजीज के नीचे से हम उठाते हैं। और इस तरह की ये नसें जो आपको कीड़े की तरह दिख रही होंगी, हल्की हल्की नसें इस अंडे के अंदर बन जाती हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह का कुछ हो जाता है दोस्तों, तो ये फर्टाइल एग की पहचान है। अब अनफर्टाइल एग की पहचान क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अनफर्टाइल एग जो होता है दोस्तों वो अंदर से काला पड़ जाता है, उसके अंदर नसें नहीं बनती हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से इस तरह का दिखता है कि उसमें पहली बात तो विजिबिलिटी ही खत्म हो जाती है, तो वो अनफर्टाइल एग होता है। कई बार अनफर्टाइल एग इस केस में हो जाता है कि वो पीला ही बना रहता है। पीला मतलब कि देखिए यहाँ पर कुछ एग है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये कोई एक अंडा है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ काला काला सा पड़ गया, देखिए आप, मैं आपको पास करके दिखा रहा हूँ। पहली बात तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है फ्लैश की लाइट में रखने पे भी, पर जो भी दिख रहा है वो एकदम काला काला सा दिख रहा है, देखिए आप। तो ये अंडा जो है अनफर्टाइल है दोस्तों। और भी मैं अंडे दिखाता हूँ आपको, मैं बताता जाऊँगा आपको। देखिए ये अंडे के अंदर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, और अगर दिखेगा भी तो केवल एकदम पीला पानी आपको दिखेगा, तो मतलब वो अंडा जो है वो ख़राब है या फिर वो ताज़ा है। अगर वो दो या तीन दिन का है और पीला दिख रहा है तो वो ताज़ा है, ये देखिए आप। ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। और दूसरा अंडे मैं आपको दिखाता हूँ जो एकदम पीला अंडा हो, और वो उस तरह का अंडा जो ताज़ा होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अंडा भी ख़राब है, और भी अंडे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप भी पहचान सकते हैं, ये देखिए ये पीला अंडा आप देख रहे होंगे। ताज़ा अंडा कुछ आपको इस तरह का दिखेगा, एकदम पीला होता है, इसके अंदर आपको नसें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। देख लीजिए आप, जो हमारे बजीज के चिक्स की जो नस होती है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है, अगर अंडा ख़राब है तो, या फिर वो ताज़ा अंडा है तो। ये ताज़ा नहीं है एक्चुअली, ये तो ख़राब है, पर ताज़ा अंडा भी आपको लगभग ऐसा ही देखने को मिलेगा जो एक या दो दिन का होता है। और अभी मैं फ़ोटो के माध्यम से आगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो फोटो के माध्यम से एक से लेके लगभग 20-25 दिन तक का अंडा कैसा कैसा होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ फ़ोटोज़ भी है मेरे पास, तो ये अंडा आप देख लीजिए, लास्ट अंडा यहाँ पर बचा है हमारे पास, तो ये देखिए ये भी ख़राब है। ये तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपके बजीज के अंडे सही हैं या ख़राब। और अब मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से बता देता हूँ, उसमें एकदम मैं क्लियरली आपको समझा पाऊँगा कि आपके जो बजीज के एग हैं वो ख़राब है या नहीं, या पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें दिन वो कैसे दिखते हैं। इस तरह से मैं लगभग 8 से 10 दिन या 20 दिन तक का अंडे की मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे पहचान सकते हैं। सो गाइस, स्क्रीन पर आपको दो फोटो शो हो रही होंगी, इसमें आपको 8 डेज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा अंडा फर्टाइल है या फिर नहीं। आप ये देखिए, जिस अंडे में क्रॉस लगा है वो फर्टाइल नहीं है, और जिस अंडे के अंदर राइट लगा हुआ है ग्रीन कलर का, वो अंडा फर्टाइल है। आप देख सकते हैं उसके अंदर जीव है या फिर जो चिक्स है वो बनना स्टार्ट हो गया है, और चिक्स की जो नसें हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं दोस्तों 8 दिन के बाद ही, आप समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने बताया जैसा कि आप 2 या 3 दिन में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर मैंने ये फोटो इसलिए दिखाई है कि जो हमारे दोस्त बिगिनर होते हैं वो काफ़ी डरते भी हैं अंडे उठाने में। और हाँ, कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि हम अंडे इस तरह से हाथ में उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, तो दोस्तों आप बहुत आसानी से इस तरह से आप अंडे उठा सकते हैं, उनको शिफ्ट भी कर सकते हैं एक से दूसरी मटकी के अंदर। अगर आपकी फ़ीमेल प्रॉपरली अंडों पर नहीं बैठ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आपने देख लिया ये 8 डेज़ में अंडा आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको एक फ़ोटो शो हो रही होगी, देखिए ये 2 दिन का अंडा है और इसके बगल में आपको 4 दिन का अंडा दिख रहा होगा, और इसके बगल में 6 दिन का। लगभग 2 दिन में आपको दिख रहा होगा एक ज़रा सा डॉट आ जाता है अंडे के ऊपर। अगर फीमेल 24/7 अंदर ही बैठी है तो इस तरह का डॉट बन जाता है। और अगर आप घबराइए मत, कई दोस्त होते हैं हमारे फिर वो 2 दिन में ही चेक करेंगे और इस तरह का डॉट नहीं आता तो वो 3रे दिन आता है दोस्तों, क्योंकि कई फीमेल जो होती हैं वो कंटिन्यूसली बैठती नहीं है अंडे के ऊपर। फीमेल जब अंडे पर बैठेगी तभी जो है उसके अंदर इस तरह का डॉट बनेगा। तो 4 दिन के अंदर आप देख सकते हैं, अगर फीमेल कंटिन्यूसली बैठती है, अच्छी मेहनत कर रही है, तो 4 दिन के अंदर कुछ इस तरह का डॉट हमारे अंडे में देखने को मिल सकता है। 6 दिन में भी आपने देख लिया किस तरह का मिल सकता है, 8 दिन में भी देख लिया, और अब मैं दिखाता हूँ आपको 10, 12, 14 और 16 दिन में आप देख सकते हैं अंडे के अंदर कुछ इस तरह का डॉट बन जाता है दोस्तों। देखिए आप देख रहे होंगे 10 दिन के अंदर अंडा काफ़ी लाल हो गया है। 12 दिन के अंदर भी देख सकते हैं आप अंडे के अंदर काफ़ी बड़ा जीव या फिर काफ़ी बड़ा चिक्स जो है वो बढ़ने लगता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है। 14 दिन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, और आप देखिए 16 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा इनविजिबल होने लगता है हमारा एग। और 16वें दिन के बाद दोस्तों आप देखिए, ये कुछ 4 अंडे मैंने आपको दिखाएं, ये लगभग इनका जो केस रहता है ये 16 से लेके 20 दिन के अंडे हैं चारों, क्योंकि इसमें होता क्या है दोस्तों, लगभग किसी फीमेल के एग जो रहते हैं 18 डेज में हैश होते हैं, किसी फीमेल के जो एग होते हैं वो 22 डेज में भी हैश होते हैं। तो ये लगभग आप समझ सकते हैं 16 से लेके 18, 19, 20 या फिर 21 दिन के एग्स की भी जो है फोटो है। तो इसके अंदर आपको जो बच्चा है या चिक्स है वो प्रॉपरली पूरा बना हुआ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप बहुत ज्यादा हाई फ्लैश में या फिर हाई लाइट में आप उसको बल्ब के सामने करके देखते हैं। आपके पास मोबाइल है तो आप फ्लैश से, वैसे सभी के पास मोबाइल होता है आज के समय, तो आप उसके अंदर इस तरह से देख सकते हैं। तो आप पहचान सकते हैं कि आपका जो कॉलोनी में या फिर केज के अंदर एग रखे हुए हैं वो फर्टाइल है या नहीं। और कई दोस्तों के कमेंट आते हैं कि हमारे फीमेल के एग जो है वो
काफ़ी टाइम से रखे हैं, उन्हें हो गया है लगभग, आप वो बताते हैं 25 दिन 30 दिन हो गया है, 40 दिन हो गया है, कई कई दोस्तों देखे थे 1.5 महीना भी हो चुका है। तो दोस्तों 1.5 महीना तो रखने से कोई मतलब नहीं है, अगर 25 से 30 दिन के बाद अगर आपके कॉलोनी के अंदर जो है या फिर केज के अंदर मटकी के अंदर अंडे रखे हैं और उनमें से अगर चिक्स बाहर नहीं आ रहे हैं तो आप उन अंडों को उठाकर चेक करिए, और चेक क्या करिए मेरे हिसाब से तो चेक करके फेंक दीजिए सीधा, क्योंकि वो अनफर्टाइल ही एग होते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्टाइल एग जो होता है वो लगभग 22 दिन के अंदर जो होता है हैश हो जाता है, 18 से 22 मान सकते हैं, कई फीमेल अगर ज़्यादा मेहनती होती हैं तो वो 17 से 18 दिन के अंदर तक निकाल लेती हैं उसके अंदर से जो चिक्स होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, सभी अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।